आज तीसरे दौर में बड़ा घमासान है और लगातार कवरेज है। 117 सीट, 117 रिपोर्टर। इधर अमित शाह गांधीनगर से मैदान में, तो राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष उधर वायनाड से। इसी के साथ मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव बड़ी बड़ी सीटों पर। आज महबूबा मुफ्ती भी, जिन्होंने बीते दिन ऐसा बयान दिया था कि पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर बॉम्ब ईद के लिए नहीं बचा रखा है। तो फिर ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, गांधीनगर की सीट अमित शाह मुकाबले में। दिलचस्प होगा यहाँ पर भी क्या नतीजे आते हैं, क्योंकि अशोक सिंघल हमारे सहयोगी सुबह से वहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सीट का मार्जिन, इससे पहले आपको पता ही है कि ये सीट लालकृष्ण आडवाणी की थी, एक वक्त पर अटल बिहारी वाजपेयी की भी, लेकिन सिलसिला फिर लालकृष्ण आडवाणी का था। हो हल्ला भी बहुत मचा कि कैसे आपने लालकृष्ण आडवाणी को इस बार चुनाव में नहीं उतारा। लेकिन इन सब के बीच फ्रंट फुट पर बीजेपी अध्यक्ष बैटिंग करते हुए गांधीनगर से इस बार चुनावी मैदान में है। सीजे चावड़ा कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। अब अगली सीट एक एक करके जो महारथी कांटे की टक्कर में इस वक्त हैं, उन पर हम चर्चा कर रहे हैं और तस्वीरें आपको जल्दी जल्दी जरा दिखा देते हैं कहां पर कौन है। वायनाड में आप देख रहे हैं राहुल गांधी, महत्वपूर्ण क्योंकि अमेठी के अलावा वायनाड से भी वो इस बार चुनावी मैदान में है। पार्टी की तरफ से यही कहा गया है कि दक्षिण भारत को टारगेट करने के लिए हम ये कर रहे हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि अमेठी में इस बार वो डर गए हैं। इन्हीं तमाम तस्वीरों के साथ चर्चा को आगे लिए चलते हैं। गुजरात पर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि गुजरात की ये 26 सीटें बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं। अगर उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन है वो नुकसान पहुंचा सकता है, तो गुजरात राजस्थान में अपने परफॉर्मेंस को बरकरार रखने की बड़ी चुनौती होगी। पिछली बार 50-50 फीसदी तक का मार्जिन था कांग्रेस का, लेकिन लोकसभा चुनाव में। इसी पर आशुतोष जी आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, मेरा अपना मानना है कि जो बात संजय जी कह रहे हैं, जाहिर सी बात है वो आंकड़ों के विशेषज्ञ हैं और सर्वे भी कराते हैं और बहुत सम्मान है उनका। लेकिन मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात यह कि गुजरात के अंदर चाहे वो 2009 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे 2004 का लोकसभा चुनाव हो, वहाँ कांग्रेस का परफॉर्मेंस कभी खराब नहीं रहा। जहाँ तक मुझे ध्यान पड़ता है 2004 में 11 सीटें कांग्रेस को मिली थी और 15 सीटें बीजेपी के पास थी, लेकिन 2009 में कांग्रेस को 12 सीटें मिली और 14 सीटें थी और 13 का आंकड़ा था। लेकिन 14 में आके जरूर फर्क पड़ा है। उसके बाद जो विधानसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा में भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर थी। तो ये कहना कि कांटे की टक्कर नहीं थी, दोनों के बीच 9% वोटों का फासला था जो पहले भी रहता रहा है। ठीक है, एक बार महबूबा मुफ्ती का ग्राफिक्स जल्दी से फिर से दिखा दीजिए। देखिए अनंतनाग से वो चुनावी मैदान में है। एक दिन पहले आलोक जी, उनका ये कहना जो पाकिस्तान प्रधानमंत्री ने दरअसल कहा था कि न्यूक्लियर बॉम्ब हमने दिवाली के लिए थोड़ी रखी है, तो इन्होंने कल जवाब दिया कि पाकिस्तान ने भी ईद के लिए नहीं, एक दिन पहले वोटर्स को खींचने के लिए। ये जिस तरह से जम्मू कश्मीर में वो लगातार उस तरह की राजनीति करती रही हूँ, मुख्यमंत्री बनने से पहले भी उनके बयान हमेशा ऐसे ही रहते थे, और इसलिए मुझे लगता है कि ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा है जिसको अलग बहस होना चाहिए कि इस तरह का न्यूक्लियर वाला मुद्दा राजनीति में बनाना या चुनाव के अवसर पर बनाना दोनों पक्षों के लिए, चाहे वो प्रधानमंत्री उठाए या महबूबा, ये कहकर के दोनों देशों में, और उसका देखिए पाकिस्तान ने भी जवाब दिया कि देखिए ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है कि महबूबा ये कहकर के भारतीय एक तरह से बीजेपी को शायद मदद ही कर रही है कि आप वो जवाब ही देकर के एक लोगों के मन में एक आक्रामक भाव पैदा हो। ये चुनाव आक्रामक भाव पैदा करने के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। एक कमेंट के लिए जल्दी से शशि जी हाथ उठा रहे हैं, जल्दी से ब्रेक कटाइए। मैं अजरा यहाँ ये कहना चाहूंगा कि हमें गंभीर परमाणु शक्ति संपन्न शक्ति है। हम एनपीए के मेंबर बनना चाहते हैं, हम एनजीए के मेंबर बनना चाहते हैं, एनएसए के मेंबर बनना चाहते हैं, जिम्मेदाराना बयान देना चाहिए। हमें सभी को, सारे नेताओं को जिम्मेदाराना बयान देना चाहिए, सबको जिम्मेदाराना बयान। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं। लगातार कवरेज जारी है। 6.5% लोगों ने महाराष्ट्र में वोट किया है। निकलिए, वोट डालिए जल्दी, लोकतंत्र में आज आपका दिन है। देखते रहिए आज तक।